पेड़ को नहीं क्या छाटने से पेड़ की ग्रोथ भी ज्यादा फास्ट होती है और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। एक चीज आप लोग नोटिस करो कि मैंने यहाँ से छाटा हूँ, यहाँ से नहीं छाटा हूँ। यहाँ से इसलिए नहीं छाटा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक पक्षी ने घोंसला बनाई हुई है और देखो इसमें पक्षी भी है। इस वाले पेड़ को काटने के लिए अभी अच्छा नहीं लग रहा है, काटते हैं इस वाले पेड़ को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइज आज का व्लॉग मैं डायरेक्ट अपने घर से स्टार्ट कर रहा हूँ और घर का काम भी शुरू है। मतलब सबसे मेन काम यह है कि जो ये पेड़ वगैरह है ना, इसकी छटाई, कौन सा पेड़ काटना है, जो भी मतलब डाली वाली जो झूल जा रहे थे ना वो डाली को छाटना, वो जो नारियल का पेड़ है ना उसको भी छाट दिए थोड़ा सा। अभी काम वाम चल रहा है बहुत सारा, ये देखिए डाली काट के यहाँ पर रखा हूँ। अभी इस वाले पेड़ को काटना है, काफ़ी साल हो गए ये पेड़ को लेकिन ये पेड़ अभी कोई काम का नहीं है। इस पेड़ को काट के हम यहाँ पर नया एक पेड़ लगाएंगे, अच्छा वाला पेड़ लगाएंगे। और इसमें कैसा है, वो जब यहाँ से कोई आना जाना करते हैं ना तो सभी के सिर पे लगता है इसके डाली, और इसमें कैसे जाम भी नहीं होते। अभी इसको काट देंगे, काटने के बाद फिर पूरा साफ़ सफाई करके आज हम मैं और मम्मी पेड़ लेने के लिए भी जाएंगे। तो मम्मी यहाँ पर बैठी है, मैं जैसे ये पेड़ वगैरह काट दूंगा तो पूरा साफ़ सफाई करके खाना वाना खा के फ्रेश वगैरह होके जाएंगे हम पेड़ लाने के लिए आज। इस वाले पेड़ को काटने के लिए अभी अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन जब इसके अभी डाली मैंने बहुत सारे छाट दिया हो, जब डाली सब कुछ छाटना हो ही गया है तो चलो काट भी देते हैं और तुरंत में यहाँ पर हम अच्छा वाला एक पेड़ लगाएंगे। इससे भी बड़ा होगा और इससे भी अच्छा रहेगा। ये कैसे देखिए इधर उधर फैल गया है, ये बराबर इसके जो डाली है ये बराबर तरीके से इधर उधर फैल नहीं रहा है, पूरे नीचे के साइड झुक रहे हैं। तो ये सक्सेसफुल पेड़ नहीं है, इसको अपन काटेंगे, नया वाला लगाएंगे और इसके बदले हम यहाँ पर भी बहुत सारे अभी पेड़ लगाने वाले हैं। पूरे देखना आप लोग व्लॉग में, आज हम जाने वाले हैं वैसे भी पेड़ लाने के लिए, मैं और मम्मी काटते हैं इस वाले पेड़ को। गाइस अभी पूरा पेड़ वेड़ काटना कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर पेड़ था ना, उसको अपन ने पूरा काट दिया और उसके जड़ से भी पूरा अपन ने काट दिए ताकि पेड़ फिर से ना हो। और जितना भी पेड़ हमने काटे ना वो पेड़ हमने गाइस फेंके नहीं है। इसके जो बड़े बड़े डाली है ना, ये डाली हम यूज़ करेंगे। इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। बाकी ये देखिए नारियल का पेड़ मैं आप लोगों को भी पास से दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए गाइस हमारे घर का नारियल का पेड़, ये जो ब्रांचेस है ना ये ब्रांचेस मैंने छाट दिया हूँ। तो ब्रांचेस छाटने के बाद ये कैसा और ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। यहाँ से ये पूरा ये जो इसका कुछ तो भी निकलता है कवर, ये कवर यहाँ तक भरा हुआ था तो मैं आज मस्त इसको क्लीन किया और अभी बहुत बढ़िया दिख रहा है। नागपुर जाने के पहले मैंने घर पे प्लांट्स लगाए थे ना, तो वो प्लांट्स काफ़ी बड़े हो गए एकदम। मैं और मम्मी मिलके बीज बोए थे, फिर थोड़े से बड़े हुए थे, वो सब मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाया ही हूँ। जो भी लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लो मेरे व्लॉग्स को प्लांट्स का। अभी दिखाता हूँ मैं कि वो प्लांट्स कितने बड़े हो गए। ये वाला कितना बड़ा हो गया है, एकदम इतु से थे जब मैं घर से गया था तब, ये कितना बड़ा हो गया है। बाकी पम्पकिन का पेड़, कोड़ा का पेड़, कद्दू, सॉरी हिंदी मराठी में कोड़ा बोलते हैं और हिंदी में कद्दू बोलते हैं और इंग्लिश में पम्पकिन। ये देखिए अच्छा खासा बड़ा हो गया। अभी ये वेल नहीं क्या पूरा ऊपर तक जाएगा छत तक। अब ये वेल धीरे धीरे ऐसे लपेटते लपेटते जाएगा। ये भी देखिए कद्दू का पेड़ और ये है शेंगा का पेड़। ये तो बहुत ऊपर तक बस लगभग पहुँच ही गया है, एक लगभग पहुँच ही गया है टेरिस तक। शेंगा का पेड़ तो काफ़ी बड़ा हो गया है गाइस, बहुत ही बड़ा हो गया। और घर के पीछे भी लगाए थे, ये है करेले का पेड़, करेले का भी देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये जो कुछ भी लगाए है ना ये सब कुछ मैंने ब्लॉग में बना के अपलोड किया हूँ, ये पूरा आप लोगों को दिखाया हूँ। और ये देखिए पेड़ कितने बड़े हो गए। ये है लौकी का पेड़, लौकी का पेड़ देखिए मेरे गले तक लौकी का पेड़ बड़ा हो चुका है। अब ये भी लपेटते लपेटते ऊपर तक चले जाएगा।
पेड़ वगैरह तो गाइस बहुत बड़े बड़े हो गए, आके देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छे बहुत अच्छे पेड़ हुए, अच्छे क्वालिटी के। हमने तो यहाँ पर मिट्टी भी डाले थे अच्छे क्वालिटी का, मस्त पेड़ हो गए, बहुत बढ़िया हुआ। ये जो जाम का पेड़ है ना, इसको भी गाइस मैंने देखे यहाँ से छाटा हो। पेड़ को नहीं क्या गाइस, छाटने से पेड़ की ग्रोथ भी ज़्यादा फास्ट होती है, और जो इधर उधर देखे ये जो फैल जाते हैं ना, और दिखने में भी अच्छे लगते हैं, अगर फैल के रहे ना तो एकदम कचरे जैसा लगता है पेड़। यहाँ से मैंने नहीं छाटा गाइस, एक चीज़ आप लोग नोटिस करो कि मैंने यहाँ से नहीं छाटा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक पक्षी ने घोंसला बनाई हुई है। रुको मैं दिखाता हूँ, कहाँ गई, कैमरे में नहीं दिख रही। हाँ ये देखिए, और देखो उसमें पक्षी भी है, देखो गाइस इसमें पक्षी भी है, वो उसकी मुंडी है ऊपर में, वो घुमा रही है। तो यहाँ पर एक पक्षी का घोंसला था, इसलिए मैं यहाँ से छाटा नहीं, बाकी मैंने पूरा छाट दिया, और वो वाला पेड़ तो मैंने काट ही दिया। अभी फ्रेश वगैरह होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, मैं और मम्मी जाएंगे पेड़ लेने के लिए, और कौन सा पेड़ लेते हैं क्या लेते हैं जाके ही बताता हूँ। और गाइज ये जो ब्रांचेस हमने काट के रखे हैं ना, इसको हम यूज़ करेंगे। ये पत्ते सूखने के बाद ये जो डाली रह जाएगी सूखी वाली, ये सारे डाली मम्मी लेके जाएंगे छत के ऊपर, वहाँ पर बिछा देंगे। जो भी ये पेड़ हो रहे हैं ना, ये पूरे ऊपर जाने वाले छत पे, इसके पूरे वेल छत पे जाने वाले हैं ना, तो छत पे जाने के बाद ये कैसे इधर उधर घूमते रहेंगे, मतलब इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये वाले ब्रांचेस सूखने के बाद छत के ऊपर जब लगा देंगे ना, तो इसके ऊपर से ये पेड़ के वेल घूमते रहेंगे, मतलब सपोर्ट रहेगा ये ब्रांचेस के ऊपर, ये वेलों का सपोर्ट रहेगा छत के ऊपर, इसको छत के ऊपर लेके जाएंगे। इसको हमने देखिए गड्ढा खोद के अच्छे तरीके से अंदर से छाट दिए, जड़ से एकदम, ताकि ये फिर से बाहर ना निकले। A few moments later. खाना खाने का भी टाइम हो चुका है, दोनों जन खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। देखते हैं आज खाने में क्या है। खाने में है आज पालक की सब्जी, और ये है धोपे की सब्जी, और ये है दाल और चावल। तो खाना खाने के लिए हम सभी लोग बैठ चुके हैं, खाना खा लेते हैं। खाना खाना अभी कंप्लीट हो गया है, और बाहर गाइस मस्त बारिश चालू है, हल्की हल्की बारिश चालू है, लेकिन बढ़िया बारिश चालू है, मस्त लग रहा है। देखिए मुझे और मम्मी को जाना था अभी झाड़ लेने के लिए नर्सरी में, तो अभी ये बारिश के कारण हम रुके हुए हैं। जैसे ही बारिश रुकेगा वैसे ही चलते हैं झाड़ लेने के लिए, और आज ही लगाएंगे। गाइस मम्मी अभी कहीं तो भी गई है, हाँ साइड के घर पे गई है कुछ तो भी सब्जी देने के लिए, तो तब तक अपन कटिंग करके आते हैं। और कल रात को तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से मिल चुका हूँ, लेकिन अभी ब्लॉग में दिखाता हूँ, अभी कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, मतलब घर के आसपास के दोस्त लोगों से, मतलब अभी तक सारे दोस्तों से नहीं मिला हूँ, कल दो चार लोगों से मिला हूँ, शुभम भाऊ से मिला हूँ, यश से मिला हूँ, और क्रिश से मिला हूँ। बड़े दिनों बाद अपन अपने रानी को चलाएंगे। गाइस गलती से मैंने इसका ज़्यादा ही जल्दी कॉल स्टार्ट कर लिया, मैंने शूट करना भूल गया। तो चलते हैं अभी अपने रानी को लेके, घुमा के लाते हैं, बड़े दिन से खड़ी थी, जब मेरे अलावा तो कोई इसको चलाता नहीं है। फाइनली अभी यश से भी मुलाकात हो गई है बड़े दिनों बाद, शर्मा रहा है अभी कैमरे में आने के से, है ना, बहुत दिन के बाद आया। और भाई के हाथ का थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ था, तो वो थोड़ा सा अलग मैटर था, कोई बात नहीं। अब फिलहाल तो मैं अभी आया हूँ कटिंग करने के लिए बालों की, तो अभी हेयर कट करते हैं सबसे पहले। Two hours later. कटिंग अभी हो गई है, चलते हैं अभी घर के लिए। फिलहाल तो अभी घर पे आ गया हूँ, नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, कटिंग करके आए ना अभी। तो गाइज अभी मस्त नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, अभी मैं और मम्मी रेडी भी हो गई है, झाड़ लाने जाना है अभी, नर्सरी में जाने वाले हैं, अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे। गाइज अभी फाइनली आ चुका हूँ, देखिए नर्सरी में, और ये कितना बड़ा एरिया है, देखिए बहुत बड़ा एरिया, और पूरे प्लांट्स ही प्लांट्स है यहाँ पे, जो प्लांट चाहिए वो मिलेगा। बस हम पड़ोली में आ गए, सामने में है पड़ोली, तो चलते हैं अपन बढ़िया। अभी कौन सा प्लांट्स लेना है देखते हैं, मेरे चॉइस के दो है, मैं दिखाता हूँ कौन से प्लांट्स है। देखिए यहाँ से पूरे गार्डन ही गार्डन है, पूरे प्लांट्स भरे हैं यहाँ से देखिए गाइस कितने सारे प्लांट्स है, ये पूरे गार्डनिंग के प्लांट्स है। ये वाला प्लांट लगाना है गाइस, ये जो है ना ये मेरा फेवरेट है, अब ये वाला देखते हैं। हाँ ये वाला लगाना है प्लांट, ये देखिए ये वाला, हाँ ये सादा कलर है ना यार, सादा कलर আর একটা থাকে বলে হলুদের মতো সাদা হলুদের ভিতরে থাকে না।
The next day. गाइस तो ये वाला व्लॉग मैं डायरेक्ट दूसरे दिन सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल के दिन मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं निकाला था, जैसे कि हमने नर्सरी तक गए, वहाँ पर पेड़ वगैरह भी देखे, लेकिन उसके बाद से व्लॉग आया ही नहीं। उसका एक रीज़न है, नर्सरी में जाने के बाद नहीं क्या, वहाँ पर मैं जैसे वीडियो निकाल रहा था ना, तो नर्सरी का जो ओनर है वो ओनर मेरे पे चिल्ला रहा था वीडियो क्यों निकाल रहे थे। वो इतना बड़ा बदमाश है साल, उसके नर्सरी में नहीं क्या रेती की डंपिंग हो रही थी। अब उसके नर्सरी में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम वगैरह होगा तो उसको क्या लगा मैं उसके जो सैंड जो डंपिंग हो रही थी उसका मैं वीडियो निकाल रहा था, तो उसके वजह से वो मेरे पे चिल्ला रहा था। अच्छा हो कि मैंने नहीं चिल्लाया, साथ में मम्मी थी ना इसलिए, नहीं तो मैं भी उसको अच्छे तरीके से बताता था। मम्मी थी करके बस मैं शांत रहा, बाकी और कोई रीज़न नहीं था। उसको फिर अपन अच्छे तरीके से समझा के आते थे, दोस्त लोग वगैरह के साथ अगर रहता था तो उसीलिए मैं शांत था। लेकिन मूड पूरा ख़राब हो गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसको बताता था, अच्छे तरीके से बताता था, उसका नर्सरी है ना, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोला। दिमाग पूरा ख़राब हो गया था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं निकाला। पेड़ लेने के लिए अपन तो गए थे लेकिन पेड़ अपन ले नहीं पाए। अभी मैं जाऊंगा पेड़ लेने के लिए, तो आगे का ब्लॉग में देखेंगे। अभी सुबह हो चुकी है तो आगे जो कुछ भी मैं करूंगा वो सब कुछ आप लोगों को अगले वाले ब्लॉग में दिखेगा। तो इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रहेगा, आगे आप लोग देखते रहिए नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में हम पेड़ वगैरह लेने के लिए जाएंगे। तो ठीक है गाइस, नए लोग जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।